भी आपका जनरेट होता है 50,000 1,00,000 2,00,000 तो आप पाएंगे आपका उसके बाद का ज़्यादा बिजनेस फूड सप्लीमेंट्स में आता है। ये भी नोट किया आप लोगों ने कि उसके बाद का बिजनेस क्या होता है, फूड सप्लीमेंट्स में होता है। क्यों? अगर आपने ट्रेनिंग उनको चला दिया है सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग में। चलिए अभी आप लोग मुझे बताइए, जितने लोग आज पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, पहली बार इन बातों को सुन रहे हैं कि लोग 1970 में ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे या 2019 अभी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उस वक्त हॉस्पिटल्स डॉक्टर ज़्यादा हुआ करते थे, आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा है। उसके बाद क्या आलम क्या है कि एक बेड पे दो दो पेशेंट हॉस्पिटल्स में, यानी कि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बढ़े डॉक्टर्स बढ़े पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी। क्या हुआ इन 50 सालों के अंदर, 1970 से लेके 2019 तक इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीमारों की तादाद बढ़ गई, इतनी सारी बीमारियाँ बढ़ गई, नई नई बीमारियाँ हमें सुनने को मिलने लगे, नए नए नाम सुनने को मिलने लगे। क्या कारण क्या आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वजह है? मिलावटी खाना खाने से, पोल्यूशन, केमिकल, मिलावट किया, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, एकदम सत्य ये है सारी चीजें। और क्या लगता है सर, खाद को मतलब फसल को अच्छा बनाने के लिए आरटीडी से यस बिल्कुल ठीक, जो कीड़े मारने वाली दवा थी वो फसल में जाके हम लोगों को नुकसान पहुँचाती है, बिल्कुल ठीक है। आप सब लोगों ने इसको मैं तीन बातों में कहूँ तो हमारा इन 50 सालों में आते आते 1970 से लेकर 2019 तक आते आते तीन चीज़ें बदल गई, हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीज़ें बदल गई। कहते हैं दिक्कत तब नहीं थी जब ओरियंट का पंखा डुप्लीकेट आ रहा था तब दिक्कत नहीं थी, जब रिबॉक के जूते डुप्लीकेट आए दिक्कत नहीं थी, जब पीटर इंग्लैंड की शर्ट डुप्लीकेट आई दिक्कत नहीं थी, जब हमारे खाने में मिलावट चालू हुई दिक्कत तब। और कुदरत को आप देखें तो कुदरत ने अपनी तरफ से पूरा इंसाफ किया है, कुदरत को आप देखें तो पाएंगे कि सर्दियों में के फल और सब्जियां अलग हैं, गर्मियों के फल और सब्जियां अलग हैं, यानी कुदरत को मालूम था कि गर्मी में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो उन्होंने ऐसे फल और सब्जियां निकाले जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। आप सिर्फ उन फल और सब्जियों को खाते तो यानी गर्मी में होने वाली दिक्कतें आप तक आती हुई, सर्दियों में कुदरत को पता था कि ठंड ज़्यादा होगी तो उन्होंने जो फल और सब्जियाँ आपको दिए उन सबकी तासीर गर्म होती थी। आप सिर्फ वो फल और सब्जियां खाते थे तो सर्दियों से होने वाली दिक्कतें आपको होती हैं, किस तरह वो फल और सब्जियां, यानी कुदरत ने अपना इंसाफ किया। गड़बड़ कहाँ पे हुई, जब इनमें मिलावट स्टार्ट हुई दिक्कतें तब चल। और जो भी भोजन आप करते हैं तो भोजन आपके लिए नहीं है, भोजन आपके ऑर्गन्स के लिए है, भोजन की नीड आपको नहीं है बिल्कुल भी, भोजन की नीड आपके ऑर्गन्स की है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने मॉर्निंग खाना खाया दोपहर में भी भूख नहीं लगी रात को भी भूख नहीं लगी, यानी आपके अंदर से डिमांड नहीं आए तो आपको आप खाना नहीं खाते, कहते भूख नहीं है। डिमांड कहाँ से होती है, अंदर से। अंदर से उनको क्या चाहिए, आपके ऑर्गन्स को क्या चाहिए, क्या उन्हें रोटी चाहिए, क्या उन्हें सेब चाहिए, क्या उन्हें सब्जियां चाहिए, उन्हें किसी चीज़ से मतलब उन्हें कुछ नहीं पता, सेब सब्जी उन्हें पता ही नहीं। सेब और सब्जी रोटी तब तक रोटी और सेब है जब तक बाहर है, जब तक बाहर है वो आपकी थाली पे तब तक रोटी, आपने एक और तोड़ा और चबाना शुरू किया या पेस्ट बन के जब अंदर गया, अंदर वालों को नहीं पता कि क्या आया, उन्हें सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि जो अंदर आ रहा है उसमें मिनरल्स हैं, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन हैं बस, और उन्हें कुछ नहीं पता है। और उनमें अगर वो है तो जाके वो किडनी पे वर्क करेंगे, तो जाके उन्होंने लीवर पे काम करना है। अगर उनमें विटामिन मिनरल नहीं है तो वो उसके लिए बेकार आए हैं, आपका पेट भर गया है, आप मेंटली सेटिस्फाइड हो गए हैं कि आपने खाना खा लिया है पर उस खाने में कुछ भी नहीं था। और दोस्तों